रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शादी एक ऐसी रस्म है जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी रिवायात और सकाफत को मद्देनजर रखते हुए अंजाम देते हैं, जिनमें कुछ मज़ाहिब के लोग बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से यह फ़र्ज़ अदा करते हैं, जबकि कुछ में शरारत का अंसर भी पाया जाता है और कुछ मज़ाहिब में तो शादी पर गलीज़ रस्में भी अदा की जाती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तमाम मज़ाहिब में शादी की तकरीब मुनफरिद और अलग अलग अंदाज से मुनक़िद की जाती है। आज की इस वीडियो में हम यहूदी मजहब में शादी के मौके पर होने वाली चंद अजीब रस्मों का जिक्र करेंगे, जिनको सुनकर यकीनन आपके दिल दहल जाएंगे। इसके साथ साथ यहूदी इज्म में औरतों पर होने वाले जुल्म पर भी तफसीली बहस की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियत में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तसव्वुर किया जाता है जिनमें उनके अकीदे के मुताबिक खुदा बज़ाते खुद शामिल होता है। इनके यहां शादी का वाहिद मकसद अफजाइश नस्ल नहीं है, बल्कि इस अमल को अफजाइश नस्ल के रब्बानी हुक्म के पूरा करने का जरिया बताया गया है। इसी मकसद के पेश नजर जब मर्द और औरत शादी के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो उन्हें यक जान दो कालिब समझा जाता है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तलमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। यहूदियत के इज्दवाजी निजाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहां औरत का मकाम नहायत पस्त है, और इसकी वजह यह नजरिया है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। यहूदियत में औरत की शादी खाविंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहां कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग्जिश पर तलाक दे दे, और इनको यह हक मजहब ने दिया है। किताबों में मिलता है कि यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है। शादी की रस्म सपहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम अज कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है। फिर रब्बी एक गिलास में शराब लेता है और जौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी बा आवाज़ बुलंद पड़ता है। इसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही अहम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास को तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में इन पर जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं उसकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है, ताकि शादी के इस पुरमुसरत मौके पर भी इस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। बाद यहूदियों के नजदीक इस गिलास को तोड़ने का मकसद यह है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि दूल्हा और दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी उनकी शादी कब तक कायम रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों में एक और दिलचस्प रस्म अंजाम दी जाती है। इस रस्म में शामियाने में जाने से कबल दूल्हा बारातियों के साथ मिलकर खुशी के गीत गाता है, और दुल्हन जब उस शामियाने में दाखिल होती है तो उसका चेहरा नकाब से ढांपा हुआ होता है। उस शामियाने का मकसद बाज लोगों ने यह बयान किया है कि उससे दूल्हा और दुल्हन पर साया किया जाता है, और बाज लोगों के मुताबिक इसका मकसद यह है कि गवाह अच्छी तरह ज़ौजैन को देख ले। यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्लाम में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दूल्हा यह अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने की सूरत में उसके काम आएगा, और वो भी ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफ्ता देगा और उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा।
ये निकाहनामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि तमाम लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सकें और उस पर गवाह बन सकें। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम कराकर घर में लगाया जाता है। मुअज्जिज दोस्तों, बाकी इल्हामी मजाहिब की तरह यहूदियत में भी औरत के मेहर का तसव्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में मेहर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तज़किरा इशारतन तो मिलता है मगर सिराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस मेहर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, अगर कोई मर्द किसी कुंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फिसला कर उससे मुबाशरत करे तो वह जरूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो कि उस लड़की को उसे दे तो वह कुंवारियों के मेहर के मुआफिक उसे नकदी दे। ख्वातीनों हजरात, मजहब यहूद में मियां बीवी की इज्दवाजी जिंदगी को गहरी अहमियत हासिल है। रिवायती तौर पर शौहर के फराइज में बीवी को सहारे के वसाइल फराहम करना शामिल है। इसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफ्ता फराहम करे, बदले में वो अपनी बीवी की आमदनी का भी मुस्तहक है। ये बीवी का हक है कि अगर वो चाहे तो अपने शौहर को नानो नुफ्ता से आजाद कर सकती है और अगर वो चाहे तो उसकी आमदनी अपने लिए मांग सकती है। इसका इससे इस्तिस्ना हासिल है। इसके लिए जो दस्तावेज फराहम की जाती है उसे कतूबा यानी निकाहनामा कहते हैं, जबकि यहूदियत में इज्दवाजी जिंदगी के साथ साथ जिंसी तालुकात को भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। खाने और कपड़ों के अलावा अज़दवाजी तालुकात को औरत का बुनियादी हक कहा जाता है। इस फर्ज को इब्रानी जुबान में ओना कहा जाता है। शादी में जिंसी रिश्ता औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। अगर दोनों में से कोई भी साथी इस अमल में हिस्सा लेने से इनकार करे तो उसको सरकश समझा जाता है और दूसरा शरीक तलाक के लिए अदालत से रजू कर सकता है। दोस्तों, यहां आपको बताते चलें कि यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो फिर भी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। इनकी मुकद्दस किताब में है कि वो किसी फाशा या नापाक औरत से ब्याह ना करे और ना उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो। इसी तरह कई और मकामात पर यहूदी मर्द को हुक्म दिया गया है कि वो किसी मुतलका औरत से ब्याह ना करे बल्कि किसी कुंवारी लड़की से ब्याह करे। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे और उससे शादी होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर उसे शादी करने पर मजबूर किया जाता और अगर वो फिर भी ना मानता तो फिर उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। नाज़रीन-ए-गिरामी, अगर यहूदियत में औरत के मकाम पर नजर डाली जाए तो औरत को इंतहाई पस्त मकाम हासिल है। इस मजहब में औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। छोटी से छोटी बात पर भी तलाक दे दी जाए तो मर्द को बुरा नहीं समझा जाता बल्कि औरत को ही गुनाहगार ठहराकर धुतकार दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकालकर बैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसां दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने खसूसन मगरिब, जो आज औरत की आजादी, अजमत और मुआशरे में इसको मकामो मनसब दिलवाने का सहरा अपने सर बांधना चाहता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबोताज किया और औरत को अपनी महकूमा और ममलूका बना रखा। इलावा अजीम मजाहिब और खसूसन बड़ी बड़ी तहजीबों ने सिन्फ नाजुक को नापाक बताकर उसका रुतबा और भी कम कर दिया, मगर इस्लामी तहजीब ने औरत को अजीम मकाम दिया बल्कि कायनात का अहम तरीन जुज करार दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।